A very good morning to all of you. Today we'll discuss about the topic genetic disorders. Genetic disorders में जो हमें सबसे firstly जो हमें topic करना है that is your pedigree analysis. So let's start with the topic. Pedigree analysis. The idea that disorders are inherited has been prevailing in the human society since long. This was based on the heritability of certain characteristic features in families. After the rediscovery of Mendel's work, the practice of analyzing inheritance pattern of traits in human beings began. Like pedigree analysis, एक तरीके का analysis है. इसमें क्या करते हैं कि like basically हमको analyze करना है एक pattern को. लाइक ग्रैंडफादर से लाइक फॉर एग्जांपल देर इज़ अ पर्सन जिसके ग्रैंडफादर का कंपैरिजन या फिर एनालिसिस करना है हमें विद हिज फादर एंड देन वी नीड टू एनालाइज दैट पर्सन और वी कैन से कंपेयर दैट पर्सन और वी कैन से कि हमें एक तरीके का लाइक हमें ट्रेट्स फाइंड आउट करने हैं कि ग्रैंडफादर में किस तरीके के ट्रेट्स थे देन फादर में किस तरीके के ट्रेट्स थे एंड आफ्टर दैट सन में किस तरीके के ट्रेट्स आए हैं. तो पेडिग्री एनालिसिस एक तरीके का ट्री मतलब आप कह सकते हैं ट्री फॉर्मिंग एनालिसिस है एक तरीके का ये. ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि लाइक मेंडल ने जब डिस्कवरी की थी बेसिकली लाइक पी प्लांट की सिंस इट इज़ एविडेंट दैट कंट्रोल क्रॉसेस दैट कैन बी परफॉर्म्ड इन पी प्लांट और सम अदर ऑर्गेनिजम्स आर नॉट पॉसिबल इन केस ऑफ ह्यूमन बींग्स. स्टडी ऑफ द फैमिली हिस्ट्री अबाउट इनहेरिटेंस ऑफ अ पर्टिकुलर ट्रेड प्रोवाइड्स एन ऑल्टरनेटिव. अब क्या है वो ये बोल रहे हैं कि मेंडल ने जैसे पी प्लांट में एक्सपेरिमेंटेशन किया था वैसा सिमिलर एक्सपेरिमेंटेशन करना ह्यूमन बींग्स के केस में पॉसिबल नहीं है. लेकिन जो हम कर सकते हैं वो हम ये कर सकते हैं कि फैमिली की हिस्ट्री को हम स्टडी कर सकते हैं और उसके बेसिस पे हम फिर डेटा एनालाइज कर सकते हैं. इन ह्यूमन जेनेटिक्स पेडिग्री स्टडी प्रोवाइड्स अ स्ट्रॉन्ग टूल which is utilized to trace the inheritance of a specific trait, abnormality or disease. Like pedigree analysis के बहुत से फ़ायदे हैं. सबसे पहला फ़ायदा यह होता है कि कोई भी तरीके का genetic disease है अगर अभी हुआ है जो कि या फिर बहुत पहले से भी चलते आ रहा है तो वो सब detect हो जाता है pedigree analysis की वजह से. और भी बहुत से इसके uses हैं जैसे कि आपको traits का पता लग जाएगा कि वो similarity है कुछ की नहीं है. like आप यहाँ देख सकते हैं children below in below then parents then 5 unaffected offsprings. मतलब ये basically कुछ नहीं होता ज़्यादा इसमें, बस ये analysis होता है. generation to generation हमें analysis करना होता है कुछ important traits का. okay, so next we have Mendelian disorders. इसमें क्या होता है genetic disorders may be categorized into two categories Mendelian disorders and chromosomal disorders. अब Mendelian disorders क्या होते हैं. Mendelian disorders are determined by alteration or mutation in the single gene. These disorders are transmitted to the offspring on the same lines. क्या होता है Mendelian disorder में कि सबसे पहली चीज़ इसमें mutation हो जाता है किसी भी एक gene में. कोई सा भी एक specific gene होगा उसमें mutation हो जाएगा मतलब change, alteration हो जाएगा. ठीक है, और ये जो disorders होते हैं ये transmit होते हैं फिर offspring में मतलब जो है ये इसका transmission हो जाता है. The pattern of inheritance of such mental disorders can be अब ये जो है अगेन pedigree analysis इसमें यूज़ होता है. क्यों? क्योंकि pedigree analysis के थ्रू हम जो हैं inheritance का pattern trace कर सकते हैं. Mostly जो सबसे common Mendelian disorders है वो है आपकी hemophilia, then cystic fibrosis है, sickle cell anemia है. ये जो हैं आपके ये सारे के सारे Mendelian disorders हैं आपके. ओके, सो दीज ऑल आर योर मेंडेलियन डिसऑर्डर्स. आई रिपीट द मेंडेलियन डिसऑर्डर्स कौन कौन से हैं. हेमोफिलिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस, सिकल सेल एनीमिया, कलर ब्लाइंडनेस एंड योर फिनाइल कीटोन्यूरिया एंड थैलेसीमिया वगैरह. ये सारे के सारे इसमें आते हैं आपके मेंडेलियन डिसऑर्डर्स में. मतलब इनमें क्या होता है, सीधी सीधी सी बात है, इन सब में किसी भी एक सिंगल जीन में म्यूटेशन कॉज हो जाता है. म्यूटेशन कॉज हो जाता है का मतलब डीएनए का जो सीक्वेंस है उसमें चेंज आ जाता है, ऑल्ट्रेशन इन द सीक्वेंस ऑफ डीएनए. देन सिमिलरली
By pedigree analysis, one can easily understand whether the trait in question is dominant or recessive. Similarly, the trait may also be linked to the sex chromosome, as in case of hemophilia. It is evident that this X-linked recessive trait shows transmission from carrier female to male progeny. आपको सबसे इम्पॉर्टेंट जो ध्यान रखना है वो यही ध्यान रखना है कि मेंडेलियन डिसऑर्डर में होता क्या है. तो इसमें क्या होता है, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू. नाउ कम टू हीमोफीलिया. हीमोफीलिया क्या है? अब हीमोफीलिया सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज होता है विच शोज इट्स ट्रांसमिशन फ्रॉम अनअफेक्टेड कैरियर फीमेल टू सम ऑफ द मेल प्रोजेनी हैज बीन वाइडली स्टडीड. इसमें क्या होता है कि कोई भी सिंगल प्रोटीन, ठीक है, जो कि ब्लड क्लॉटिंग में इफेक्ट होता है, इन्वॉल्व होता है, कोई भी प्रोटीन जो बेसिकली आपकी ब्लड क्लॉटिंग में इन्वॉल्व है वो ही अफेक्ट हो जाता है. मतलब उसमें कुछ चेंज आ जाता है तो उसकी वजह से क्या होता है कि ब्लड क्लॉट होना बंद हो जाता है, ब्लड क्लॉटिंग में प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है. ये प्रॉब्लम कॉज करता है बॉट बिकॉज हीमोफीलिया में आपको याद रखना है कि इट इज़ अ सेक्स लिंक डिजीज और अ एक्स रिसेसिव डिजीज होता है. मतलब ये एक्स क्रोमोसोम पे बेस्ड है. एक्स क्रोमोसोम में कोई भी चेंज या गड़बड़ी होती है तो आपका हीमोफीलिया होता है, ठीक है. ये चीज़, दिस थिंग यू नीड टू रिमेंबर. एंड हीमोफीलिया का जो सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है दैट इज क्वीन विक्टोरिया. इसमें ब्लड क्लॉटिंग नहीं हो पाती. दो तीन चीज़ें ही हैं जो याद रखनी है बहुत नॉर्मली. पहली चीज़ आपको ये याद रखनी है कि ब्लड क्लॉट नहीं होता. ब्लड आपका मतलब बहते ही रहेगा, आपका खून बहना बंद ही नहीं होगा अगर आपको इंजरी होती है तो. पहला ये साइन होता है हीमोफीलिया का. सेकेंडली, इट इज़ एन एक्स लिंक डिसऑर्डर, रिसेसिव डिसऑर्डर होता है और ये, ओके. एंड इट्स एग्जाम्पल इज क्वीन विक्टोरिया. देन वी हैव सिकल सेल एनीमिया. सिकल सेल एनीमिया क्या होता है? दिस इज़ एन ऑटोसोम लिंक रिसेसिव ट्रेट. अब ये ऑटो अपने आप सेल्फ जनरेटेड डिजीज है. ये पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसमिट होता है. इसका जो ट्रांसमिशन है दैट इज फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स व्हेन बोथ द पार्टनर्स आर कैरियर फॉर द जीन. द डिजीज इज कंट्रोल्ड बाय अ सिंगल पेयर ऑफ एलील. लाइक एलील और जीन्स में एक फ़र्क है. यू नीड टू रिमेंबर दिस कि एलील जीन का एक फॉर्म या फिर एक पार्ट होता है सिर्फ, वेयर एज जीन को हम एक टोटल जीन एक टोटल एलील है जो एलील से मिलके पूरा एक जीन बनता है, ओके. एलील जो है वो पार्ट्स में होता है डिवाइडेड. सो यहाँ पे भी जो है सिकल सेल एनीमिया में क्या हो जाता है आप यहाँ पे देख सकते हो. लाइक हेयर, इसमें क्या होता है, जो मेन चीज, जो मेन डिफेक्ट होता है, ग्लूटामिक एसिड होता है जो वो सब्स्टिट्यूट हो जाता है. ग्लूटामिक एसिड की जगह में क्या आ जाता है, वैलिन आ जाता है आपका. आई रिपीट, जो आपका यहाँ पे ग्लूटामिक एसिड होता है, ग्लूटामिक एसिड की जगह पे क्या आ जाता है, दिस योर वैलिन आ जाता है सिक्स्थ पोजीशन में. जो बीटा ग्लोबिन चेन की सिक्स्थ पोजीशन है उसमें होता है ये कि जो बीटा, ये जो इसकी पोजीशन में ये जो सिक्स नंबर पे है वहाँ पे ग्लूटामिक एसिड की जगह पे वैलिन आ जाता है, सब्स्टिट्यूट हो जाता है वैलिन, ओके. तो इट इज़ द मेन थिंग दैट, तो इसकी वजह से क्या होता है कि सिकल सेल एनीमिया लाइक वो फॉर्म में छोटी छोटी, यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका यहाँ पे डायग्रामेटिकली शो है. लाइक जो इसकी शेप होती है हीमोग्लोबिन की, वो हीमोग्लोबिन कह लो या प्रोटीन मॉलिक्यूल्स कह लो, उनके शेप में चेंज आ जाता है, ओके. देन वी हैव फिनाइल किटोन्यूरिया. This inborn error of metabolism is also inherited as the autosomal recessive trait. The affected individual lacks an enzyme that converts the amino acid phenylalanine into tyrosine. Actually, phenylketonuria में क्या होता है कि जो मतलब इस, ये जिसको होता है उसमें क्या होता है कि एंजाइम की कमी हो जाती है. वो एंजाइम लैक हो जाता है, उस एंजाइम की कमी हो जाती है जो मेनली अमाइनो एसिड फिनाइलएलानिन होता है ना. जो अब आप इसका नाम से समझो, फिनाइल कीटोन्यूरिया, फिनाइल से ये स्टार्ट है ना. इसमें क्या होता है, फिनाइल कीटोन्यूरिया है ये, सॉरी, जो आपका फिनाइल एलेनिन है, तो एंजाइम आपकी बॉडी में वो वाला लैक कर जाता है जो कि एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होता है फिनाइल एलेनाइन को टायरोसिन में कन्वर्ट करने के लिए. तो ये इसमें मेजर प्रॉब्लम आता है. अब उसकी चक्कर में क्या हो जाता है कि जो फिनाइल एलानिन है वो आपकी बॉडी में जमा होते रहता है एंड वो फिनाइल एलानिन एक्यूमुलेट होके फिनाइल पाइरुविक एसिड में
कन्वर्ट हो जाता है। आई रिपीट, जो इस क्या होता है इसमें कि जो आपकी बॉडी होती है उसमें एंजाइम की कमी हो जाती है, उस एंजाइम की जो फिनाइल एलेनिन को टायरोसिन में कन्वर्ट करता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो फिनाइल एलेनिन होता है वो बॉडी में जमा हो जाता है, और बॉडी में जमा होने के बाद में वो फिनाइल पिरुविक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है या फिर उसके दूसरे डेरिवेटिव्स में भी कन्वर्ट हो जाता है। इनके इकट्ठे होने की वजह से क्या होता है कि जो ब्रेन होता है आपका, आपके ब्रेन में मेंटल रिटार्डेशन हो जाता है। आई रिपीट, ब्रेन में फिनाइल क्यूटोन्यूरिया अगर आपको हो जाता है तो इसकी वजह से ब्रेन जो है वो मेंटली रिटार्ड हो जाता है, मेंटली फंक्शन नहीं कर पाता प्रॉपरली, ठीक है। एंड फिर उसकी वजह से क्या होता है, एब्जॉर्प्शन भी जो है आपका किडनी में जो एब्जॉर्प्शन होता है मटीरियल इसका प्रोडक्ट्स का, वो एब्जॉर्प्शन भी लूज हो जाता है, बोल सकते हो आप, ये बोल सकते हो हैम्पर हो जाता है। ओके, नेक्स्ट वी हैव थैलेसीमिया, ऑटोसोम लिंक्ड रिसेसिव ब्लड डिजीज होता है ये, ठीक है, ये ब्लड डिजीज है। आई रिपीट, थैलेसीमिया इज अ ब्लड डिजीज, पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ये भी ट्रांसमिट होता है। ओके, ये डिफेक्ट क्यों हो सकता है, या तो म्यूटेशन की वजह से हो सकता है नॉर्मली, या तो आपका जो है एक ग्लोबिन चेंज होती है जो आपकी अल्फा और बीटा चेंज, आपकी हीमोग्लोबिन में दो चेंज होती है, योर हीमोग्लोबिन कंसिस्ट ऑफ अल्फा एंड बीटा चेंज, दो चेंज से बना होता है। तो थैलेसीमिया में क्या होता है कि अगर आपको थैलेसीमिया है तो या तो ये म्यूटेशन की वजह से हो सकता है, या तो वो इस वजह से भी हो सकता है कि अगर कोई भी एक, या तो अल्फा या तो बीटा, इन दोनों में से कोई भी एक चेन हीमोग्लोबिन का सिंथेसिस नहीं कर पा रही है, खून नहीं बन पा रहा है, रेट ऑफ हीमोग्लोबिन प्रोडक्शन डिक्रीज हो गया है। आप ये भी बोल सकते हैं कि जो रेट है हीमोग्लोबिन प्रोडक्शन का वो कम हो चुका है। ओके, तो इसकी वजह से भी थैलेसीमिया होता है। अब अगर रेट ऑफ हीमोग्लोबिन प्रोडक्शन ही कम हो जाएगा तो क्या होता है, एबनॉर्मली हीमोग्लोबिन सिंथेसाइज होने लगता है, जिसकी वजह से आपको सीधे सीधे एनीमिया की प्रॉब्लम हो जाती है। ओके, सो दिस इज द मेन थिंग दैट यू नीड टू रिमेंबर इन थैलेसीमिया। देन यू हैव क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स, डाउन सिंड्रोम क्या है, दिस ये बेसिकली एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। बेसिकली इसमें क्या होता है कि क्रोमोसोम 21 ऐड हो जाता है आपका, नॉर्मली जो क्रोमोसोम की फॉर्मेशन है उसमें क्रोमोसोम 21 ऐड हो जाता है, ठीक है। ये बेसिकली अगर आपको, फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू आर सफरिंग फ्रॉम डाउन सिंड्रोम, सो वॉट विल हैपन टू यू इज दैट यू विल हैव अ शॉर्ट स्टेचर्ड बॉडी, हाइट इंक्रीज नहीं होगी, हेड जो है वो राउंड लाइक हेड नॉर्मली जैसा होता है वैसा नहीं होता है, इसमें हेड आपका स्मॉल हो जाएगा और राउंड हो जाएगा, आपकी टंग फरो हो जाती है और आपका जो माउथ है वो पार्शियली ओपन रहता है, आपका जो पाम होता है लाइक वो ब्रॉड हो जाती है, ठीक है। एंड लाइक आपकी जो फिजिकल साइकोमोटर या फिर मेंटल डेवलपमेंट है, आपकी मेंटल डेवलपमेंट में भी हैम्परिंग होती है। यू कैन नॉट, लाइक हेयर यू कैन सी दिस फिगर, यहाँ पे आपको एक बेबी दिख रहा होगा, ये जो बेबी है लाइक इसका आप फेस देखो, ये ब्रॉड और फ्लैट फेस है, ठीक है। इसकी टंग में रिंकलिंग दिखेगी आपको, हेयर हेड का जो इसका टॉप है वो फ्लैट हो जाएगा बिल्कुल, पाम जो है पाम थोड़ी ब्रॉड हो जाती है, तो दिस इज डाउन सिंड्रोम। इसलिए आप इसको टर्म से, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी टर्म है ये, डाउन, हाइट नहीं बढ़ती है, शॉर्ट स्ट्रेचर हो जाता है, हेड राउंड और स्मॉल हो जाता है, टंग में फरोइंग आ जाती है, लाइक थोड़ी बहुत रिंकलिंग आ जाती है। एंड जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आपको याद रखनी है वो ये याद रखनी है कि डाउन सिंड्रोम में देर इज अ ट्राइजोमी ऑफ 21 क्रोमोसोम, जो क्रोमोसोम नंबर 21 होता है, यू नीड टू रिमेंबर इट, क्रोमोसोम नंबर 21, इसमें एक्स्ट्रा क्रोमोसोम ऐड हो जाता है, दैट इज क्रोमोसोम नंबर 21। सो दिस इज योर डाउन सिंड्रोम। नेक्स्ट इज योर क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। क्लाइनफेल्टर में क्या होता है, अब ये एक अगेन जेनेटिक डिसऑर्डर है, दैट इज कॉज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एडिशनल कॉपी ऑफ एक्स क्रोमोसोम की एडिशनल कॉपी। एक्स क्रोमोसोम जब ऐड हो जाता है एबनॉर्मली, एक उसकी और कॉपी ऐड हो जाती है, आपको तब क्या होगा, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम होगा। इसकी वजह से क्या होता है, मैस्कुलिन डेवलपमेंट हो जाता है, जो लाइक सच एन इंडिविजुअल हैज ओवरऑल मैस्कुलिन डेवलपमेंट, द फेमिनिन डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट, दैट इज गायनिकोमेस्टिया इज ऑल्सो एक्सप्रेस, सच इंडिविजुअल्स आर स्टेराइल। आपको यहाँ पे एग्जाम्पल दिख सकता है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम का, ये जो ए फिगर है ये क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम का एग्जाम्पल है। ओके, इसमें होता क्या है, अगेन आई रिपीटेड,
एडिशनल कॉपी आ जाती है एक्स क्रोमोसोम की। यू माइट नो एक्स क्रोमोसोम हम फीमेल्स के लिए यूज़ करते हैं एक्स एक्स एंड मेल्स के लिए हम यूज़ करते हैं एक्स वाई, ठीक है। तो इसमें जो है एक्स की एडिशनल कॉपी आ जाती है। ऐसे इंडिविजुअल्स का जिनको क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम होता है उनमें क्या होता है, बेसिकली मैस्कुलिन डेवलपमेंट, ओवरऑल मैस्कुलिन डेवलपमेंट रहता है उनका, और उनका सिर्फ जो है ब्रेस्ट में उनका जो डेवलपमेंट होता है वो फेमिनिन कैरेक्टरिस्टिक होता है। आप इसको गायनोकोमेस्टिया भी कहते हैं, वी ऑल्सो यूज अ टर्म गायनोकोमेस्टिया फॉर दिस, ओके। एंड दीज इंडिविजुअल्स वी कैटेगराइज देम अंडर द कैटेगरी ऑफ स्टेराइल इंडिविजुअल्स। ये सारे के सारे स्टेराइल इंडिविजुअल्स होते हैं। यू कैन सी देयर, यहाँ पे फिगर है, इसमें आप देख सकते हैं, दिस इज योर क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, दिस इज योर डाउन सिंड्रोम, एंड नेक्स्ट द लास्ट वन वी हैव इज टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है, सच अ डिसऑर्डर इज कॉज ड्यू द एब्सेंस ऑफ वन ऑफ द एक्स क्रोमोसोम्स। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में क्या होता है, देयर इज एन एडिशनल कॉपी ऑफ एक्स क्रोमोसोम। टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है कि एक्स क्रोमोसोम एक कम हो जाता है, ठीक है। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है, तो एक्स क्रोमोसोम कम हो जाता है तो वो वाली फीमेल, वो जो जिन फीमेल्स को ये होता है वो फिर स्टेराइल हो जाते हैं, ठीक है। सो आई होप ये सारी डिजीजेस इजी हैं, ऐसा कुछ इसमें बहुत टफ नहीं है। डाउन सिंड्रोम में देयर इज एन ट्राइजोमी ऑफ 21 क्रोमोसोम, एमसीक्यूज में आता है ये कई बार, ये आपको ध्यान रखना है डाउन सिंड्रोम में। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में क्या हो जाता है, एडिशनल कॉपी हो जाती है एक्स की, देन ओवरऑल जो है मैस्कुलिन डेवलपमेंट होगा, लेकिन फेमिनिन डेवलपमेंट सिर्फ ब्रेस्ट में आपको शो होगा, दैट इज गायनोकोमेस्टिया। गायनोकोमेस्टिया इज अ टर्म यूज फॉर दिस, ठीक है। मेंटल, अब डाउन सिंड्रोम होने की वजह से क्या होता है, साइकोमोटर और जो मेंटल डेवलपमेंट होता है किसी इंसान का वो रिटार्ड हैम्पर हो जाता है, ठीक है। एंड लास्ट यू हैव टर्नर सिंड्रोम। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द चैप्टर वेल। थैंक यू क्लास।